लोक निर्माण विभाग बड़कोड में पंजीकृत ठेकेदारों ने सोमवार को लोनीवी की अधिशासी अभियंता पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए लोनीवी कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन किया तथा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। साथ ही ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर एक सप्ताह में अधिशासी अभियंता के स्थानांतरण करने की मांग की। साथ ही धरना प्रदर्शन में शामिल ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दीवान सिंह असवाल ने कहा कि अधिशासी अभियंता के ठेकेदार साथी मिलने गए लेकिन उन्होंने उन्हें कमरे से बाहर कर दिया और ठेकेदारों के साथ अभद्रता कर बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। हम खाली मिलने के लिए आए थे, एक्शन साहब को मिलने के लिए आए थे और समय ले रखा था, उन्होंने हमको समय दे रखा था मिलने का। आज की डेट के 4 रिटर्न में उन्होंने हमको लिख के दे रखा है कि आप 4 तारीख को मिलने का समय दे रखा हमको, हम लोगों को। हम यहाँ पे अंदर मिलने के गए और इन्होंने सबसे पहले तो आप इस बोर्ड को देखो, सरकार की तरफ से किसी भी विभाग में मिलने का टाइम 10 बजे से 12 बजे तक और इसने मिलने का टाइम कर दिया अभिशासी अभियंता ने 4 बजे से 5 बजे तक। आदमी सरनोल से आएगा, डामटा से आएगा, आदमी यमुनोत्री से आएगा, आदमी कपनोल से आएगा। अगर 4 बजे वो आदमी यहाँ पहुँचेगा मिलने के इसको जाएगा और वापस वो आदमी कब जाएगा बताओ? आजकल तो 6 बजे रात पड़ जाती है। रात आदमी कोई गरीब आदमी है, काश्तकार है, ठेकेदार है, जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, लोग जब मिलने के लिए आएंगे तो ये तानाशाही चल रही है। यहाँ इस ऑफिस में तानाशाही चल रही कि मिलने का टाइम 4 बजे से 5 बजे तक, जबकि मिलने का टाइम सरकार ने रखा हुआ है 10 बजे से और 12 बजे तक। और जो जनप्रतिनिधि ठेकेदार होता है उसका कोई मिलने का टाइम नहीं होता, वो कभी भी मिल सकता है। इस ऑफिस में तानाशाही चल रही पहले ही बार, हम इस एक्शन को देख रहे हैं। 25 साल हम लोगों को ठेकेदारी करते हो गए सब लोगों के यहाँ पे और ऐसी तानाशाही चलेगी। दूसरा नियम है एफिडेविट, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरकार ने एफिडेविट के लिए एक वकील नियुक्त किया गया, नोटरी नियुक्त किया गया है और वो हैसियत पे नोटरी लगा के दे रहा है, ठीक। और ये इस चीज को नहीं मान रहा, ये एक्शन उस चीज को, ये गुप्ता उस चीज को नहीं मान रहा कि मैं नहीं मानता इस चीज को। इसका इसका घर का राज है, इसमें घर का शासन आदेश लाएगा कैसे अपने घर से? नहीं सरकार ने फिर भी एक जो नोटरी रखे हुए क्यों रखे हुए? गोल्ड भी उस चीज को मान रहा है, सरकार भी मान रहा है, सरकार का प्रतिनिधि है वो आदमी जो नोटरी है। सरकार प्रॉब्लम ये है कि इनकी समस्याएं दूसरी हैं। जब इन्हें ज्वाइन किया तो एक रोड है सरबड़िया का टेंडर लग रहा था तो उसमें इनका एक मत था, वो रिप्रेजेंटेशन का आया था और वो सरगिल तक गया है। तो मेरे पास पहले 4 सितंबर को मिलने के लिए आए थे, 4 या 5 सितंबर को मेरे पास मिलने के लिए आए थे। तो उनका ये था कि आप टुकड़ों में तोड़ के स्टैंडर को लगाओ, वो बड़ा टेंडर था। ये कह रहे थे कि जो बना के लगाओ, जबकि एज पर जो नियम है उसके अनुसार अगर मूल स्वीकृति के साथ एक ही टेंडर लगेगा तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर हमने टेंडर खोला, उसको जाकर के टेंडर अभी भी लगा हुआ उसमें डिस्पोजल पर है। तो इनका बेसिक इशू ये था, है ना। उसके बाद फिर इनके पंजीकरण का आते हैं हमारे सामने। तो पंजीकरण में क्या था कि हैसियत प्रमाण पत्र जो होता है वो बहुत पुराने हैं, कुछ प्रमाण पत्र तो 2010 के हैं, 11 के हैं। तो उसमें ये था जनरली हमारी जो परिपाटी है, क्योंकि मैं एनसी ऑफिस में भी रहा हूँ और चीफ ऑफिस में भी रहा हूँ, वहाँ हैसियत प्रमाण पत्र को वेरिफिकेशन के लिए जो निर्गत करने वाला थी उनके पास भेजा जाता है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट को भेजा जाता है। तो इसलिए मैंने इनको कहा, उनका रिप्रेजेंटेशन मेरे पास था रिटर्न में, तो मैंने इनको रिटर्न में चिट्ठी लिख कर जवाब भी दे दिया कि भाई दो बार तो हम एक चलो मूल पे जो आपने किया है एक बार रिन्यूअल करेंगे तो 6 साल के लिए उसकी वैलिडिटी हमने इसको मान लिया, लेकिन जो 10-12 के हैं तीसरी बार हमने कहा कि जो निर्गत करने वाले अधिकारी है उनके पास से वेरिफिकेशन के लिए जाएगा कि क्या इसकी जो उस टाइम की हैसियत जो थी क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। एक तो इनका ये इशू था और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी आपने जो टाइम किया है 4 से 5 के मिलने का शाम को किया है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया पूरे दिन ठेकेदार आते रहते हैं, कभी एक ठेकेदार आ कभी दो ठेकेदार आ, पूरे दिन लगा रहता है। इसलिए इनके लिए हमने टाइम फिक्स किया था कि आप लोग आइए 4 से 5 के बीच में आइए, हम मिलेंगे यहाँ पर आपकी समस्या का जो निस्तारण करेंगे। परंतु अब ये कह रहे हैं कि 10 से 12 का टाइम, 10 से 12 का टाइम देखिए कई बार मीटिंग होती है, डीएम साहब बुलाते हैं या कहीं पे जाना होता है तो वो वर्क होता है। लेकिन मैं इनसे एग्री भी कर गया था, चलो कोई बात नहीं हम उसको एज इट 10 से 12 कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो दूसरे तरीके से यहाँ पे अच्छा दूसरा ये कह रहे हैं कि जी आपको हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, है ना। तो ये इनकी समस्याएँ थी, बाकी जो भी है इनकी मेरे हिसाब से इनके ऊपर समस्या नहीं है। और हाँ, जब से मैंने खंड में ज्वाइन किया है मैंने साइट विजिट करी है, किसी भी ठेकेदार का कोई भी काम किसी भी स्पेसिफिकेशन पे खड़ा नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। अंडर स्पेसिफिकेशन काम किए हुए हैं, जब वो साइट पे दीवारें गिरी पड़ी हैं उनको तोड़वाया जा रहा है, तो इनको एक तरीके से आक्रोश पैदा हो रहा है ना। उस आक्रोश की परिलक्षित ये है
काम किए हुए हैं, कुछ लोगों के तो अनुबंध ही नहीं बने हुए हैं, उन्होंने साइड पे काम कर दिए हैं, पैसा भी नहीं है कुछ कामों में, तो उनके भुगतान कहाँ से होंगे। इस तरह की इतने प्रकरण हैं यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। पुराने प्रकरण इतने हैं जिनकी देनदारी है, कुछ के तो अनुबंध ही नहीं बने हैं, ना कोई रिटिन में है और काम कर रखे हैं। तो ये बताइए, जब पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट ने, स्वीकृति नहीं है, तो उनको भुगतान कहाँ से होंगे। तो इनकी इस तरह की समस्याएं हैं, बिना किसी पेपर के काम करे जा रहे हैं, भुगतान कैसे होगा। तो ये तो भविष्य में भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होंगी, क्योंकि जो मैं डिवीज़न का मैंने देखा है, तो भविष्य में ये चीज़ें आएंगी निकल करके, तो फिर हो सकता है जो आज ये अपना आंदोलन कर रहे हैं या आक्रोश है, ये तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा यही इसमें कहना था सर। यही